सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू टू एडुजाज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो कि गूगल मैप्स के द्वारा लाया गया है। द न्यूज़ इज गूगल अर्थ लॉन्च स्ट्रीट व्यू इन इंडिया। क्यों है ये न्यूज़ इतनी खास, चलिए डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली 5G का ऑप्शन होता है, आप लोगों को सबको पता है 5G का ऑप्शन हुआ है टेलीकॉम सेगमेंट में। तो बहुत सारे कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, अदानी, ये सब कंपनीज पार्टिसिपेट किए हैं। तो जो ये जो अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, तो ये जो 5G ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना रेवेन्यू मिलेगा? ऑप्शन ए 275,000 करोड़, ऑप्शन बी 145,000 करोड़, ऑप्शन सी 155,000 करोड़, ऑप्शन डी 425,000 करोड़। अपना आंसर लिखिएगा इसके कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो गूगल ने लॉन्च किया है गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू फीचर इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों में जो सब न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहते हैं या फिर टेक न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनको ये जानकारी पता ही होगा दैट गूगल स्ट्रीट व्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया येट। तो पहली बार एक चीज़ लॉन्च किया गया है और हमारे न्यूज़पेपर में वो सुर्खी नहीं बने, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम न्यूज़पेपर का आर्टिकल, हिंदू का आर्टिकल है गूगल ब्रिंग्स स्ट्रीट व्यू टू इंडिया, गूगल मैप लॉन्चेस स्ट्रीट व्यू सर्विस इन इंडिया। यहाँ पे रूटर्स ने भी इसको कवर किया है, गूगल मैप लॉन्चेस स्ट्रीट व्यू इन इंडिया आफ्टर 11 ईयर्स वेट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, आफ्टर 11 साल के बाद आपका गूगल का स्ट्रीट व्यू इंडिया में लॉन्च हो रहा है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इन जनरल गूगल स्ट्रीट व्यू इज़ ए फीचर ऑफ गूगल मैप्स विच अलाउज यूज़र टू व्यू पैनोरमिक एंड स्ट्रीट व्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। तो आप अगर कोई भी प्लेस को सर्च करते हो, उसका एक 360 डिग्री व्यूज, दैट इज़ ऊपर नीचे आगे पीछे सबका इमेज आपको देख सकते हो फ्रॉम ए लैटरल साइड। आपको ऐसा लगेगा कि आप वही प्लेस पे इन पर्सन खड़े हो। फॉर एग्जांपल चलिए हम एक हमारा देश को ही लेते हैं एक एग्जांपल में, ये है अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये है इंडिया एंड इसका एक सिटी को हम देखते हैं, दैट इज़ बेंगलुरु। तो आप देख सकते हैं ये बेंगलुरु का मैप है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो आपको इमेज दिख रहा है वो उसको कवर करता है स्ट्रीट व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ आप एक लैटरल व्यू पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सड़कें हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए एक आपको एक नॉर्मल रियलिस्टिक का व्यू आ जा रहा है। और ये चलिए एक दूसरी जगह भी चलते हैं, ये हो गया एक नेशनल हाईवे, यहाँ पे भी गूगल अर्थ कवर कर रहा है अपना स्कोप को। यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर हाईवे, जैसे आप कहीं कभी खड़े हो हाईवे के अंदर, हाईवे के ऊपर, और आप चारों तरफ जैसे देखिए यहाँ गाड़ियाँ हैं, सड़क है, कुछ बिल्डिंग्स है। तो ये आप देख सकते हैं ना, हम जैसे देखते थे गूगल अर्थ को, गूगल मैप को, हमें पहले 2D इमेज देखता था, अभी क्या देख सकते हैं हम अपना चारों ओर। अब हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं, हम अपना चारों ओर उसका इमेज देख सकते हैं। तो आई एम प्रेटी श्योर आपको गूगल अर्थ का जो फीचर है उसको पता चल गया होगा, एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा, सच एन अमेजिंग फीचर गूगल अर्थ हर्च। तो अभी के लिए इंडिया के 10 शहरों में ये स्ट्रीट व्यू का लॉन्च होगा, धीरे धीरे ये 10-50 शहरों में बढ़ेगा और सारा इंडिया को धीरे धीरे कवर करेगा। तो गूगल का एक ये जैसे गाड़ी होता है उसमें ऊपर एक कैमरा फिटेड होगा और एक उसी गाड़ी को हर रोड्स हर गलियों में घुमा जाएगा। तो वो जो कैमरा हर जगह हर एक कोने का फोटोज उठा के अपने पास सेव करेगा और आखिरी में वो सारे फोटोज को लेके पैच करके एक पैनोरमिक व्यू में आपको जो एंड्रॉयड और iOS का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप बोलेंगे ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर ये इंडिया में अभी तक आया ही नहीं, क्यों नहीं था, अभी तक लॉन्च ही क्यों नहीं होता? देखिए 2011 में क्या हुआ था ना, गूगल इंडिया ने बेंगलुरु सिटी में ही अपनी जो गाड़ी घुमा के फोटोज़ कैप्चर कर रही थी, तभी बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उनको रोक दिया और बोला साहब आपको ये हम ये फोटोज़ नहीं निकालने देंगे। उसके बाद ये मामला काफ़ी दिन तक आगे ऊपर नीचे होता रहा, आगे पीछे होता रहा, और इन द एंड गूगल ने इंडिया में स्ट्रीट व्यू का प्रोजेक्ट उसको ड्रॉप कर दिया है। तो एक जनरल क्वेरी होगा आपके मन में, जो प्रोजेक्ट 2011 से बंद पड़ा था वो अभी क्या हुआ, वो फिर से लॉन्च हो गया?
तो एक पॉलिसी आया था लास्ट ईयर, नेशनल जियोस्पेटिकल डेटा पॉलिसी 2021। इसमें सरकार ने ये अनाउंस किया था भारत के जो अंदर वो जो लोकल कंपनीज है वो जियोस्पेटिकल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो जियोस्पेटिकल डेटा लाइक पिक्चर्स हो गया, लोकेशंस हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गई, इनको कलेक्ट करके देख सकते हैं और दूसरे कंपनीज को लीज पर दे सकते हैं। और ये जो पॉलिसी आया इसने गूगल स्ट्रीट व्यू के लिए एक नया रास्ता देख लिया। गूगल ने टाइप किया है इंडिया के टेक महिंद्रा और जेनेसिस करके एक कंपनी है। ये कंपनीज अपनी गाड़ियों में, किसी मोटरसाइकिल में और किसी के भी घूमते चीज़ के ऊपर अपना कैमरा लगा देती है और डिफरेंट लोकेशंस का डिफरेंट एंगल से फोटो कैप्चर करेंगी। एंड ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो सब गूगल का अपनी ओन नहीं होगी, ये सब वो कंपनीज ओन करेगी जो गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है टू डू द वर्क। तो टेक्निकली गूगल वॉन्ट बी ओनिंग दिस डेटा। तो ये अकॉर्डिंग टू द जियो स्पेटियल जो पॉलिसी है, तो ये जो नेशनल जियो स्पेटियल पॉलिसी के मदद लेते हुए हमें ये सब फ़ायदा मिलने वाली है। तो आप सब बोलेंगे ठीक है, हमें गूगल ने फोटो खींच के एक 3D व्यू में, एक 360 व्यू में जरिए सब दिखा दी, परंतु हमारी प्राइवेसी क्या क्या? कोई कैमरा लेके कहीं भी घूम जाए, कहीं भी घुस जाए और किसी भी की फोटो कैप्चर कर ले, इसमें हमारा निजता का हनन नहीं होगा क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा इंटरनल सिक्योरिटीज का क्या? भारत का इंटरनल सिक्योरिटी को वो तो भी कम्प्रोमाइज हो सकता है ना। तो इसी के लिए भारत सरकार ने कुछ लिमिटेशन भी रखा हुआ है। तो स्ट्रीट व्यूज इज नॉट अलाउड इन फर्दर रेस्ट्रिक्शन एरियाज लाइक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड मिलिट्री एरियाज। और प्राइवेसी को सम्मान देते हुए किसी का चेहरा, किसी का गाड़ी व्हीकल का नंबर, ये सब स्ट्रीट व्यू में नहीं दिखाया जाएगा, दैट इज़ इट विल बी ब्लर्ड। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी पता होना चाहिए जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि जो जैसे US है, यूरोप हो, और वो जाने जाते हैं अपना डिफेंस सर्विसेज के लिए, अपना डिफेंस सुपरियोरिटी के लिए, उनको भी, उन देशों में भी गूगल व्यू का, गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू भी अलाउड है। तो आपका क्या थॉट है, क्या व्यूज़ है, लिखे गए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक डेफिनेटली कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम मिनिस्टर, हाउ मच रेवेन्यू विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न बाय सेलिंग 5G स्पेक्ट्रम? द आंसर इज 1,45,000 करोड़। 1,45,000 करोड़ का मुनाफा होगा बाय सेलिंग द गवर्नमेंट 5G स्पेक्ट्रम टू डिफरेंट कंपनीज। अगर कुछ आपका सजेशन है तो भी कमेंट में मेंशन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वंस अगेन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू एडुजाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर।